put the team on my back. I do it all for the family. Everyone that nigga rap. Nobody ever gon' challenge me. Starting my week on a Sunday. फ्रेंड्स वेलकम अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आज की वीडियो बहुत खास है। फ्रेंड्स आज होने वाली है द मोस्ट पावरफुल ब्लूटूथ स्पीकर की अनबॉक्सिंग। और फ्रेंड्स ये वाला जो ब्लूटूथ स्पीकर है ये है FND ब्रांड का। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको इसका मॉडल नंबर बता देता हूँ। फ्रेंड्स इसका मॉडल नंबर है FND W40। और फ्रेंड्स जो इसका आउटपुट है वो है 40 वॉट्स RMS का। फ्रेंड्स बहुत पावरफुल है। मतलब पर्सनली मैंने अभी तक इतने ब्लूटूथ स्पीकर टेस्ट करे, मुझे सबसे पावरफुल ये वाला ब्लूटूथ स्पीकर लगा है। और फ्रेंड्स अगर मैं इसके MRP की बात करूं यानी कि प्राइस की बात करूं तो वो है 12,990 रुपीज़। बट फ्रेंड्स अगर आप भैया से परचेस करते हैं तो आपको एक बढ़िया डील पर ये मिलेगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ इसका प्राइस है 12,990 रुपीज़। अगर आप भैया को कॉल करते हैं और हमारे चैनल का नाम लेते हैं तो आपको ये पड़ेगा 7,000 से 8,000 के बीच में। सो फ्रेंड्स आप सोचिए 12,990 रुपीज़ से आपको 7,000 से 8,000 के बीच में मिलेगा। सो कितना बढ़िया डिस्काउंट आपको मिलेगा। फ्रेंड्स मैं ये कह रहा हूँ अगर आप कोई सा भी होम थिएटर, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको ये वाला, आप FND का अगर कोई सा भी मॉडल परचेस करते हैं तो आपको बेस्ट डील पर मिलेगा। क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों के मन में काफी ज्यादा डाउट्स थे कि कितना डिस्काउंट मिलेगा और क्या प्राइस में मिलेगा। सो फ्रेंड्स मैंने आपको एक आंकड़ा दे दिया है कि यार फ्रेंड्स जो जिसकी कॉस्ट इतनी महंगी है उसमें हमें इतना अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। सो आपको सारे मॉडल्स पे इस तरीके का डिस्काउंट मिलेगा और साथ में FND के ईयरफोन भी आपको गिफ्ट पर मिलेंगे जिनका कॉस्ट है 1,000 रुपीज। सो फ्रेंड्स डील काफी मस्त है। फ्रेंड्स हम भी चाहते हैं हमारे सब्सक्राइबर्स को बढ़िया डील मिले, बढ़िया फायदा मिले। सो इस तरीके से मैंने आपको रिवील कर दिया है और आप बात करिएगा आपको एक बेस्ट से बेस्ट प्राइस में मिलेगा। और हमारे चैनल का नाम लेना मत भूलिएगा क्योंकि फ्रेंड्स तभी आपको अच्छी डील मिलेगी। फ्रेंड्स अभी हम फटाफट से अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। सो वक्त ज्यादा ना गवाते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स देख लीजिए ये है हमारा FND W40 हाई फिडेलिटी वायरलेस स्पीकर का बॉक्स। फ्रेंड्स सबसे पहले बॉक्स में हम चारों साइड से आपको दिखा देते हैं ताकि आपको पता लग जाए बॉक्स पर हमें क्या क्या फीचर्स मेंशन करे हुए मिलते हैं। फ्रेंड्स देख लीजिए इस पर हमें ब्लूटूथ वर्जन 4.2 का सपोर्ट मिलता है। 2.5 इंच फुल रेंज स्पीकर लगे हुए मिलते हैं। मल्टी कलर DJ LED लाइट हमें मिलती है। फ्रेंड्स इसका जो टोटल आउटपुट है वो है 40 वॉट्स RMS का। फ्रेंड्स इस पर हमें 2 स्पीकर मिलते हैं जो कि 20-20 वॉट्स के हैं। सो फ्रेंड्स अब बॉक्स को अपना ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर से हमें क्या क्या सामान मिलता है। सो सबसे पहले फ्रेंड्स देख लीजिए हमें ऑक्स केबल मिल रही है। फ्रेंड्स इसके थ्रू आप अपने TV, PC, लैपटॉप, टैबलेट को भी कनेक्ट कर पाएंगे। और फ्रेंड्स एक और बॉक्स मिल रहा है। फ्रेंड्स ये है एक अडेप्टर। और फ्रेंड्स इसके थ्रू हम ब्लूटूथ स्पीकर को चार्ज कर पाएंगे। फ्रेंड्स आज से पहले हमें ब्लूटूथ स्पीकर पर अडेप्टर देखने को नहीं मिलता था, ये पहली बार है जो हमें देखने को मिला है। अब फ्रेंड्स और दिखा देते हैं आपको हमें क्या क्या इस पर मिलता है। सो फ्रेंड्स देख लीजिए हमें यूज़र मैनुअल मिलती है। फ्रेंड्स प्रोडक्ट के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी यूज़र मैनुअल पर। अब फ्रेंड्स आपको ब्लूटूथ स्पीकर को दिखाते हैं। वाओ फ्रेंड्स जो लुकिंग है काफ़ी औसम है और जो क्वालिटी है फ्रेंड्स वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। बिल्ड क्वालिटी की भी अगर हम बात करें तो मतलब काफ़ी ज़्यादा औसम है। और फ्रेंड्स क्वालिटी इतनी मस्त है इसकी, मतलब होल्ड करते ही पता लग रहा है कि यार काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट है। अब फ्रेंड्स आपको बैक साइड में दिखाते हैं हमें क्या क्या पोर्ट्स मिलते हैं। सो फ्रेंड्स देख लीजिए हमें DC आउट का सपोर्ट मिलता है इस पर, यानी कि फ्रेंड्स आप अपने स्मार्टफोन को इससे चार्ज भी कर पाएंगे। DC इन मिलता है फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रेंड्स आप इसे चार्ज करेंगे अपने अडेप्टर के थ्रू। और फ्रेंड्स ऑक्सिलरी पोर्ट मिलता है और कार्ड स्लॉट भी मिल जाता है, यहाँ पे आप अपने SD कार्ड को भी लगा पाएंगे। सो फ्रेंड्स अब आपको इसके चारों साइड से दिखा देते हैं। आप फ्रेंड्स प्लीज डिटेल में देखिएगा तभी आपको क्वालिटी का पता लग पाएगा। और फ्रेंड्स ऊपर की साइड से हमें बटन्स मिलते हैं, देख लीजिए फ्रेंड्स पहला जो बटन है वो X बेस का है। फ्रेंड्स इसे प्रेस करेंगे तो बेस काफ़ी इनहेंस हो जाएगा। और फ्रेंड्स हमें हम यहाँ पे से लाइट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, इसका बटन हमें मिल जाता है। मोड चेंज करने का बटन मिलता है, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज का बटन मिलता है और पावर ऑन ऑफ का भी बटन मिल जाता है। और फ्रेंड्स नीचे की साइड से हमें एक स्टिकर लगा हुआ मिलता है। फ्रेंड्स यहाँ पर भी प्रोडक्ट के रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। सो फ्रेंड्स पूरा मैंने आपको अनबॉक्स करके दिखाया, क्वालिटी दिखाई। फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको किस तरीके का लगा। सो फ्रेंड्स आपको टोटल आउटपुट के बारे में एक बार और बता देता हूँ। फ्रेंड्स इस पर हमें टोटल आउटपुट जो मिलता है वो मिलता है फ्रेंड्स 40 वॉट्स RMS का। फ्रेंड्स इस पर हमें 2 स्पीकर लगे हुए मिल जाते हैं जो कि हैं 20-20 वॉट्स के।
फ्रेंड्स बहुत औसम है। अभी मैं आपको थोड़ा सैंपल के लिए साउंड सुना दूंगा ताकि आपको पता लग जाए कि इसका कितना औसम साउंड है, और आपको एक लाइट डेमो भी दे दूंगा। और फ्रेंड्स फ्यूचर में हम इसका सोनी के ब्लूटूथ स्पीकर के साथ भी कंपैरिजन करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स देख लीजिए, मैं आपको लाइट डेमो दे रहा हूँ इसका, आप देखिए कितनी औसम लग रही है फ्रेंड्स। मतलब जैसे सोनी के स्पीकर्स ब्लूटूथ स्पीकर में हमें लाइट इफेक्ट मिलता है, सेम उसी तरीके से हमें इस ब्लूटूथ स्पीकर पे भी लाइट इफेक्ट मिलता है। और फ्रेंड्स चाहे तो आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आप ऑफ करेंगे तो बैटरी बैकअप ज़्यादा आपको इस पर मिलेगा। अब फ्रेंड्स आपको थोड़ा इसका साउंड टेस्ट करवा देते हैं ताकि आपको पता लग जाए कितना बढ़िया इसका साउंड है। सो प्लीज़ आप अपने हेडफोन्स का यूज़ करिए। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो बताएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर फ्रेंड्स आपका कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा। अब फ्रेंड्स बात करूं मैं अपने एक्सपीरियंस की, फ्रेंड्स मेरे हिसाब से अभी तक हमने जितने प्रोडक्ट ब्लूटूथ स्पीकर रिव्यू करे हैं मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट यही वाला है। जबकि फ्रेंड्स अभी रिसेंटली हमने सोनी के SRS XB41 का रिव्यू और साउंड टेस्ट दोनों करा था, फ्रेंड्स उससे बढ़िया साउंड इस वाले मॉडल का है। ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं सोनी वाले का खराब है, बट फ्रेंड्स इसका प्राइस भी उससे कम है और जो क्वालिटी है साउंड की काफी सही है। अगर आपका बजट उतना नहीं है तो डेफिनेटली आप इस मॉडल को परचेस कर सकते हैं, ट्रस्ट मी आपको बेस्ट लगेगा ये साउंड के हिसाब से भी, लुकिंग के हिसाब से भी, और जो फील है इसका काफी प्रीमियम है। सो ओवरऑल काफी मस्त लगेगा। बट फ्रेंड्स एक चीज का ड्रॉबैक जरूर है, अगर ये होता तो पूरा 100% तो मजा आ जाता, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें IP67 की रेटिंग हमें नहीं मिलती है, यानी कि ये डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट नहीं है। अगर फ्रेंड्स ये चीज भी होती तो फिर तो क्या कहने थे, मतलब ओवरऑल मजा आ जाता। अदरवाइज फ्रेंड्स प्रोडक्ट काफी अच्छा है, डेफिनेटली आप इसे परचेस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Bye.